The worst part. Home try करना शुरू कर दी. Free dermat के साथ call होता है मुझे एक वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिला. वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्किन केयर जर्नी अराउंड वन ऐप सो देर इज कॉल्ड क्योर स्किन ऐप जिसके प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए थे मेरे डार्क सर्कल के लिए और ओपन पोर्स के लिए बट जो जर्नी थी इट वॉज क्वाइट कोस्ट फॉर मी सो उसी का एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं सो लेट्स गेट स्टार्टेड और इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज भी है सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल तो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि ये ऐप एक्चुअली काम कैसे करता है तो फर्स्टली आपको इसको डाउनलोड करना है फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर और उसके बाद आपको सिंपली इस पर साइन अप करना है यूजिंग योर मोबाइल नंबर देन आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने है जैसे कि आपका नाम हो गया देन आपका जेंडर एंड आपकी एज देन उसके बाद एक ए आई चैट होगी जिसमें आपको सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट योर लाइफ स्टाइल अबाउट योर डाइट और अबाउट योर करंट स्किन कंसर्न और उसके रिगार्डिंग आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उसके बारे में भी वो पूछेंगे देन आपको फोटो लेनी है आपके फ्रंट फेस की और साइड फेस की जिससे ए टेक्नोलॉजी आपके स्किन पे जो भी कंसर्न है उसको ढूंढ लेगी और वो आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा कि आपको कौन से कौन से कंसर्न्स करंटली हैं। देन ये चैट होने के बाद आपको एक डर्मेट असाइन होंगे जो आपके लिए पर्सनलाइज स्किन केयर किट डेवलप करेंगे और जैसे मेरे स्किन कंसर्न उन्होंने डिरेक्ट किए थे डार्क सर्कल्स एंड ओपन पोर्स सो उसके रिगार्डिंग मेरे जो प्रोडक्ट्स थे वो चार प्रोडक्ट्स उन्होंने दिए थे एंड चारों भी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू माई स्किन कंसर्न थे और अगर आप ये ऐप कभी ट्राई करेंगे तो आपके जो भी कंसर्नस होंगे वो अलग होंगे तो आपके जो प्रोडक्ट्स आपको डर्मेट देंगे वो भी अलग होंगे एज कम्पेयर टू माइन सो so, ये जो ओवरऑल किट है इसकी प्राइस है वन फोर डबल नाइन और इसके साथ आपको फ्री मंथली चेकअप एज वेल एज डाइट प्लान भी देते हैं वो लोग और इसमें मुझे रिसीव हुए हैं ये चार प्रोडक्ट जो कि अकॉर्डिंग टू माय स्किन कंसर्न है सो लेट्स सी ईच प्रोडक्ट वन बाय वन तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो क्योर स्किन ने मुझे रेकमेंड किया था वो था ये जेंटल क्लेंस फेस वॉश विथ आर्गेनाइन लैक्टिक एसिड ये फेस वॉश एक फोमिंग फेस वॉश था एंड विच हेल्प मी इन एक्सफोलिएटिंग एंड रिफ्रेशिंग माई स्किन इसे वॉश करने के बाद आई यूज टू अप्लाई हाइड्रेशन जेल बाय क्योर स्किन विथ हाइलरोनिक एसिड इससे मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहती थी फॉर लॉन्ग टाइम और इससे मुझे कभी भी कुछ इरिटेशन नहीं हुई लेकिन मैंने डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम के लिए क्योर स्किन ने रिकमेंड किया था ये अंडर आई जेल विथ हाइलोनिक एसिड कैफिन पेप्टाइड ये इजिली ब्लेंडेबल था मेरे अंडर आइज पे एंड इट वॉज मॉइस्चराइजिंग एज वेल और लास्ट प्रोडक्ट जो जोर स्किन ने मुझे रेकमेंड किया था वो था वो ये मिनरल सनस्क्रीन जेल विद विद जिंक ऑक्साइड प्रोबायोटिक्स एंड इट कम्स तो मैंने ए आई चैट में फिल किया था कि मैं ज़्यादा आउटडोर नहीं चाहती हूँ तो इसीलिए उन्होंने एस बी एफ थर्टी मुझे रेकमेंड किया था ये इजिली ब्लेंडेबल फॉर्मूला था और मुझे ग्लोइंग इफेक्ट भी देता था विदाउट लिविंग एनी वाइट कास्ट तो मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स दो वीक के लिए ट्राई किए बट नाउ कम द वर्स्ट पार्ट ये सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद भी मेरे जो प्रॉब्लम्स थे वो कम होने की जगह पड़ गए और मैं डिस्परेटली बहुत सारे होम रेमेडीज ट्राई करना शुरू कर दिया बट उससे भी कुछ इम्प्रूवमेंट तो होने वाला था नहीं तो ना इनका जो फ्री डर्मेट के साथ कॉल होता है मंथ एंड में तो उसको मैंने ज्वाइन कर लिया और मैंने मेरे सारे स्किन प्रॉब्लम्स इनको सब फिर से बताए और जो भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई वो भी उनको बताया तो मेरे सारे कंसर्स डोमैट ने सुन लिए एंड उन्होंने मुझे बोला कि मयूरी आप कौन से ऑर्डर में इस प्रोडक्ट्स को लगा रही हो एक्चुअली मैं क्या कर रही थी कि पहले मैं फेस वॉश यूज़ करती थी देन हाइड्रेशन जेल देन जो अंडर आई का क्रीम है वो एंड देन लास्टली सनस्क्रीन और ये मैं सुबह को यूज़ कर रही थी और रात में भी आई एम यूजिंग द सेम एक्सेप्ट सनस्क्रीन तो ये मैंने उनको बताया तो उनका रिएक्शन थोड़ा अलग ही था वो बोले कि आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी उसके अकॉर्डिंगली आप ये स्किन के प्रोडक्ट्स यूज नहीं कर रहे हो तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको कैसे यूज़ करना है तो मुझे सिर्फ सुबह फेस वॉश के बाद सिर्फ सनस्क्रीन लगाना था और रात में मुझे फेस वॉश हाइड्रेशन जेल एंड अंडर आई क्रीम लगानी थी तो ये ऑर्डर को मैंने फॉलो किया फॉर नेक्स्ट टू वीक्स बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी रियली पेशेंट विद दिस ऐप क्योंकि मैंने इनके बहुत सारे अच्छे रिव्यू पढ़े थे तो मैंने इसको दो वीक के लिए ट्राई किया एंड नाउ आई एम सीइंग रिजल्ट इन माय डार्क सर्कल्स एंड ओपन फूल्स आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने इनको थोड़ा टाइम दिया सो so अल्टीमेटली मैं क्या कर रही थी कि जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो नहीं कर रही थी और मैंने खुद के मेरे अपने से नए इंस्ट्रक्शंस लगा दिए सो दिस वॉज द बिग मिस्टेक दैट आई विद दिस ऐप और इसके वजह से मेरे दिमाग में जो इस ऐप का फर्स्ट इंप्रेशन था वो नॉट गुड लेकिन अभी आफ्टर सींग द रिजल्ट आफ्टर टॉकिंग विद डोमैट आई कैन से दैट इट इज रियली रिलायबल ऐप सो इस एक्सपीरियंस से मुझे एक वैल्यूएबल लेसन सीखने को मिला कि जो भी प्रोडक्ट्स हमें डोमैट देते हैं उनको उसी ऑर्डर में लगाना चाहिए ना कि खुद से एक नया ऑर्डर इन्वेंट करें और अगर आपको भी सिमिलर इशू हो रहा है तो देर इज़ नो हेजिटेशन इन रीचिंग आउट टू क्योर्स स्किन डम एट वो बहुत पेशेंटली आपके सारे क्वेरीज को सुनते हैं और उसका सोल्यूशन भी देते हैं और अगर आप भी इस ऐप को ट्राई करना चाहते हैं तो इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है इस वीडियो के एंड यू कैन यूज माई डिस्काउंट कूपन विच इज़ शोविंग राइट हियर और उसको यूज करने के बाद आपको इनके प्रोडक्ट्स पे थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय